हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एक्स वाई एंड एक्स वाई ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है। आपका एग्जाम करीब आने वाला है, लास्ट टू डेज हैं, ऐसे में हम क्या करें लास्ट डे जिससे कि हम पेपर में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह कि एनडीए देने वाले स्टूडेंट नॉर्मली एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों के पैटर्न में क्या डिफरेंस है और किस ढंग से एग्जाम्स को हैंडल करें जिससे इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकें, ये सेशन इसी बात के लिए है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप कहाँ पर किन एरिए पे लास्ट डे में ध्यान दें जब पेपर दे रहे हों जिससे कि आप पेपर में परफॉर्म कर पाएँ। नंबर वन, एक बात समझे हम, आप सबको पता है कि जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, नेवल एकेडमी की बात करते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होती हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं, उन्हीं में से एक एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल ट्रेड के लिए रहता है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी का एक तरह से ये पार्ट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब अगर एनडीए के पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी आपने पूरा सिलेबस कवर किया है और एनडीए में आपको पता है कि एसएसबी भी एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको ये पता है कि ऐसे मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है पर वो बहुत ही बेसिक लेवल पे की जाती है, जो आप अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 90% चांस है कि आप फाइनल एग्जाम में भी थ्रू हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम जरा इन एग्जाम्स के पैटर्न की, सिलेबस की, और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये कि एनडीए में और एक्स या वाई ग्रुप में क्या डिफरेंस है वो हम समझें। एनडीए ऑफलाइन पेपर है और एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप ऑनलाइन पेपर है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता। आप देख रहे हो आईआईटी भी पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, हो सकता है आने वाले समय में एनडीए सीडीएस भी ऑनलाइन हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, आप पहले तो एनडीए में समझें कि आप सबको पता है और आप सब लोग ऑलरेडी एनडीए कोर्स से स्टडी कर रहे हैं, उसी कोर्स का, बल्कि मैं बोलूँगा कि लेवल ऑफ एग्जाम एक्स या वाई ग्रुप का काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू एनडीए। फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई होता है बट बाकी सभी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अगर बात करते हैं, जब आपको पता है कि एनडीए में आप एक मैथ्स का पेपर देते हैं कम्प्लीटली 120 क्वेश्चन का, एक जीएटी का पेपर देते हैं जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल अवेयरनेस और साथ में इंग्लिश, राइट, इसी का एक तरह से पार्ट है। अब एनडीए में 50 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं जबकि एक्स या वाई ग्रुप की बात करें तो 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। कंपेयर टू लेवल बात करें एनडीए की इंग्लिश की और एक्स वाई ग्रुप की इंग्लिश की, तो लेवल कम होता है। यानी अगर आपने एनडीए के लिए इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप मान के चलिए कि आप एक्स वाई ग्रुप में भी इंग्लिश में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, अक्सर ये होता है कि ऑनलाइन वाले पेपर्स में हमारे पास पेपर्स नहीं होते, ऐसे में हमें पेपर पैटर्न पता नहीं होता, पर जो मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ या जो नॉर्मली मैं आपको एक ट्रेंड बताऊँ कि आपके पास एनडीए के करीब करीब लास्ट 10-15 ईयर के पेपर्स हैं, तो एनडीए में जो इंग्लिश आई अगर आपने वो अच्छे से तैयार की तो आप समझ लीजिए इसके लिए एक्स्ट्रा इंग्लिश करने की जरूरत नहीं। यानी एनडीए के इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप एक अच्छा स्कोर एक्स वाई में इंग्लिश में कर सकते हैं। अब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने एनडीए की मैथ्स बहुत अच्छे से करी है तो आप एक्स ग्रुप की मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई ग्रुप का मैथ्स का लेवल 9th-10th का होता है, इसलिए मैं अभी वाई ग्रुप पे आता हूँ, पर सबसे पहले मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ तो एक्स ग्रुप का मैथ्स का पैटर्न जो है वो एनडीए का ही सिलेबस पूरा वही है बट केवल 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब 25 क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि एक्स ग्रुप में जो मैथ्स होता है उसमें नॉर्मली या तो हो सकता है आपको जो पेपर मिले उसमें हो सकता है कैलकुलस का वेटेज ज़्यादा हो सकता है किसी पेपर में एलजेब्रा का वेटेज ज़्यादा हो सकता है किसी पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज, यानी पढ़ना तो सभी पड़ेगा पर मैं आपको एक साइकोलॉजिकली बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली किसी किसी पोर्शन का वेटेज ज़्यादा दे देते हैं। और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप 2-3 टॉपिक तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करिएगा, कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से करिए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ये पोर्शन आप हमेशा अच्छे से करके रखिए जिससे आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में मैं जरूर आपको बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि जब हम एनडीए फिजिक्स की बात करते हैं तो एनडीए फिजिक्स में 9th-10th लेवल का 11th का बहुत ही बेसिक लेवल होता है, पर एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में, स्पेशली एक्स ग्रुप में फिजिक्स का लेवल हायर होता है, 11th-12th का काफी पोर्शन होता है, बस यही एक पोर्शन है जिसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में आपको केवल 45 मिनट मिलेंगे,
जिसमें 20 इंग्लिश में और 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल 50 लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। पर लॉजिकल रीजनिंग के बहुत ही सिंपल 9-10 के कुछ टॉपिक्स होते हैं, और उसमें भी कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूँ, आप जरूर करिएगा। नंबर सिस्टम जरूर करिएगा, SCF LCM करिएगा, डायरेक्शन सेंस करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग करिएगा, पजल टेस्ट करिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको मिलेंगे, मिसिंग टर्म आएंगे, ये जो आपको मैंने करवाया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन इजीली आपको बन जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, राइट। और अगर आप एक्स वाई ग्रुप दे रहे हैं तो एक तरह से इसका कॉम्बिनेशन है, आपको टोटल 85 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 फिजिक्स के, फिजिक्स का एक्स ग्रुप लेवल होगा, मैथ्स का एक्स ग्रुप वाले लेवल के क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग के होंगे वो वाई वाले ग्रुप के होंगे, राइट। इस तरह से टोटल आपको जो है लगभग 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना। अब बात आती है कि हम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करें। हो सकता अभी अभी आप सभी लोगों ने ट्वेल्थ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्वेल्थ अपेयरिंग होंगे इस साल, और कई सारे स्टूडेंट ट्वेल्थ पास होंगे, आपने 11th 12th में फिजिक्स पढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले चाहे आप एक्स ग्रुप दे रहे हैं, वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑनलाइन पेपर को भी वैसे ही स्कैन करना चाहिए जैसे ऑफलाइन पेपर को करते हैं। ऑफलाइन पेपर को टर्न करके करते हैं, ऑनलाइन पेपर में हम इंस्टॉल करके पहले क्वेश्चन देख लें। दूसरा, जैसे इंस्टॉल करके क्वेश्चन देखे, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास 70 क्वेश्चन है, अगर आप 40 प्लस कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ 50 में 30 प्लस करते हैं यानी एक अच्छा स्कोर करते हैं, और यहाँ 100 में से अगर आप 60 प्लस करते हैं तो एक अच्छा स्कोर करते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट ये कि जो भी क्वेश्चन करना है वो राइट करने की कोशिश करिए, फिर एक आध दो रॉन्ग हो जाए चलेगा। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बहुत क्लियर रखिएगा, मैथ्स से स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा, मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश या जिस पे भी आपका कमांड है, यहाँ पर मैं कोई भी एक ऑर्डर नहीं दूंगा ऐसे यहाँ पर भी। तो आप सबसे पहले 5 मिनट पेपर की स्कैनिंग के लिए जरूर दीजिएगा, 5 मिनट पेपर की स्कैनिंग के लिए जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन की किस ऑर्डर में करना है, आपको एक रफ शीट मिलेगी उसमें ऑर्डर लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर पेपर स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, धीरे धीरे करें, घबराएं ना, ऑनलाइन पेपर है, बिल्कुल इत्मीनान से करें। क्या होता है कई बार हम हमारी घबराहट की वजह से पेपर बिगाड़ लेते हैं, बस यही प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि कभी भी याद रखिए, किसी भी एग्जाम में जीतने का सबसे पहला रूल होता है कि परफॉर्मेंस तो बाद में, पहले साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना। और जब हम डिफेंस की बात करते हैं, जब हम आर्मी की बात करते हैं, जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं, तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, रफ टफ हैं, तो हम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर राइट टाइम पे डिसीजन लेना आना चाहिए कि किस समय क्या करना है। तो अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए, तो आप ऐसे में अगर इनकेस टफ पेपर आता है तो भी, टफ कभी भी नहीं आता पर मैं एक बात कह रहा हूँ, तो भी घबराना नहीं, मान के चलिए कि आपके अटेम्प्ट कम होंगे तो बाकी के भी अटेम्प्ट कम हो रहे होंगे, इजी है तो आपके अटेम्प्ट ज़्यादा है तो सभी के हो रहे होंगे। ऐसे में आपको स्कोर्स बढ़ाना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। कई जगह पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम रीड नहीं कर पाते और मिस्टेक्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको सर्वाइव हुई हैं मैथ्स के पेपर्स में, आपको जो मैंने मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन दिए हैं वो देखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि जो एनडीए के पेपर्स हैं अगर आपने वो लास्ट 5 ईयर के सॉल्व किए हैं तो समझ जाइए कि ये पेपर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेवल ऑफ पेपर थोड़ा सा ईजी होता है, थोड़ा फिजिक्स का हायर होता है, पर मैंने आपको बोला कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने और सारे कर भी नहीं सकते, अगर आप सारे करेंगे तो पॉसिबल है कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग ज़्यादा हो, उससे अच्छा है कि वो करें जो आपको आते। तो एक पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिएगा, और इसके जैसे ये पेपर खत्म होता है 12th CBSE के भी पेपर खत्म हो जाएंगे तो एनडीए के सेशंस फिर से मैं चालू करूंगा, अभी रोके इसलिए क्योंकि 12th के एग्जाम चल रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से फाउंडेशन कवर करते हुए चलिएगा, एक पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।